अयोध्या जनपद के शिवजान स्थित एक स्थानीय होटल सभागार में पूर्व मंत्री तेज पवन पांडे ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर सड़कों पर मॉब लिंचिंग रही है, गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर उत्पात हो रहा है, लेकिन उन्हीं के गौशाला में गौ माता दम तोड़ रही है। भाजपा सरकार गौशाला में चारे और पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रही है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गौ माता के नाम पर वोट लिया व गौ माता का राजनीतिकरण किया और अब भाजपा के ही सरकार में गौ माता चारे और पानी के अभाव में दम तोड़ रही है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पवन पांडे ने कहा कि शासन प्रशासन यह लिखकर दे दे कि वह गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रही है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करने के लिए बाध्य होंगे और हमेशा करते रहेंगे। मामला क्या है और क्या मांग है आप? देखिए, ये मामला मैंने 4-5 महीना पहले भी उठाया था। हमारे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के बैसिंग ग्राम सभा में सरकारी गौशाला का निर्माण किया गया है और 2-3 महीना पहले भी वहां पर गाय भूख के मारे जान दे दी थी और बहुत बुरी दुर्दशा है गौ माता की। कल और परसों मुझे लगता है 50 से ज्यादा हो सकता है 100 से ऊपर गायें रही हैं भुखमरी के कगार पर। न उनके लिए चारे की व्यवस्था है, न उनके लिए राशन की व्यवस्था है, न पानी की समुचित व्यवस्था है। भूख से तड़प तड़प कर गौ माता ने जान दे दी और उसके बाद इन प्रशासनिक अधिकारियों ने वहीं पर जेसीबी मशीन मंगाकर गड्ढा खुदवाकर गौ माता को वहीं दफन कर दिया। ये गौशाला को दफन गांव कब्रिस्तान बनाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी। ये सरकार बताती है अगर गांव की किसी ने हत्या की हम उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे, रास्ता गंगस्टर लगाएंगे। हम मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि फैजाबाद के जो भी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के लोग इन गौ माता की हत्या के दोषी हैं उन पर मुकदमा दर्ज करके उन पर भी रास्ता और गैंगस्टर लगाया जाए। आज आप बताइए कई दर्जन गायें भुखमरी के कगार पर हैं। आप गाय के नाम पर सड़कों पर मॉब लिंचिंग करते हो। लोगों को रखा गया है, उन लोगों को पशु पालना आता ही नहीं है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन लोगों को वहां रखा गया है। हमने इस प्रकरण पर पूर्व नगर आयुक्त से कई बार मैंने कहा कि उन लोगों को वहां से हटा करके ऐसे लोगों को वहां रखो जो लोग गाय भैंस पालना जानते हो, उनको खिलाना खिलाना जानते हो, लेकिन अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय महापौर जी और अपर नगर आयुक्त जो सच्चिदानंद सिंह है इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और मनोज पांडे जो स्वास्थ्य विभाग का बाबू है जिसको पूरी सप्लाई का काम दिया गया है वो पूरी तरह से वहां घोटाला कर रहा है और पेमेंट होता जा रहा है। गायें रोज प्रतिदिन वहां के कर्मचारियों ने मुझको बताया कि प्रतिदिन 5 गायें मर रही हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं कि वहां स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर रखा गया है, चूनी चोकर भूसा वहां पर्याप्त मात्रा में, ये सब अफवाह है। एनी टाइम जाकर के आप लोग देख लीजिए, अगर ईमानदारी से आप लोग काम करेंगे वहां जाकर के देखेंगे तो वहां पूरी तरह से गायों को भूखा और प्यासा मारा जा रहा है। इस मुद्दे पर हम लोग अब नगर निगम में नहीं, हम लोग बैसिंग में वहीं पर धरने पर बैठेंगे। हमारे जितने पार्षद दल के नेता, हमारे माननीय विशाल पाल जी, राममोहन यादव जी और जितने भी हमारे निर्दलीय पार्षद, सब लोग हम वहीं धरने पर बैठेंगे, तभी इस पर कोई कार्रवाई होगी। क्या नाम है? राम। अयोध्या जनपद के देवकाली रोड बेनीगंज स्थित मां शांति सेवा फाउंडेशन कार्यालय में पक्षियों को इस भीषण गर्मी में पानी पीने की पहल मां शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सुरेश शास्त्री LIC प्रशासनिक अधिकारी व संचालन बसंत राम द्वारा किया गया। सभी आए हुए आगंतुकों को माला व बैस लगाकर इनका स्वागत किया गया। पक्षी बचाओ अभियान के तहत स्वच्छ पानी पीने के लिए प्यालों का वितरण भी किया गया। साकेत न्यूज से वार्ता के दौरान बसंत राम संयोजक ने कहा, मौसम चाहे जो भी हो, प्यास तो हर मौसम में लगती है। यदि आज से हम सभी लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में पक्षियों को तस्वीरों में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि आगे बढ़कर पक्षी के जीवन को बचाने में योगदान दें। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप कुमार, नेहा कुमारी, मीना देवी, प्रतिभा, राम किशन के साथ तमाम फाउंडेशन के लोग शामिल रहे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, जो हमारे पर्यावरण से पक्षियाँ विलुप्त हो रही हैं उनके संरक्षण के लिए दाना देना, जल देना, ताकि वो अपना जीवन जी सकें।
क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता में? क्या संदेश? आज बसंत जी ने शुरू किया है ये घरों में, जो घरों में जाएगा इसके बाद और लोग इसे प्रेरणा लेकर पूरे सोसाइटी में एक काम होगा और हम ये कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। क्या नाम है आपका? राम सुरेश शास्त्री। क्या पद है आपका? माँ शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा पक्षी बचाओ तो ये समारोह आज संचालन हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा हर व्यक्ति से कि आज हमारे देश में पक्षियाँ विलुप्त हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी सिर्फ तस्वीरों में देख पाए या किताबों में पढ़ पाए। इसलिए हम लोगों ने पहल की है कि चिड़ियों के लिए पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए बने हुए सिकोरे आज वितरण किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिड़ियाएं के लिए बना गया और 100 प्याले आज वितरण का समारोह है, जिसमें सभी के सहयोग से है, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से, कुछ अन्य लोगों के सहयोग से है, सम्मानित लोगों के सहयोग से है। और इसीलिए आज सब एकत्र होकर के ये चिड़ियों के बचाव के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। आगे के लिए क्या संदेश दे सकते हैं और जनता में? आगे हम चाहेंगे कि लोग इसको इससे सीखे, प्रेरणा लें कि जो चिड़िया विलुप्त हो रही है, कि सुरेश चिड़िया जिसकी सुबह चिड़ियों से शुरुआत होती है, उनकी चचाहट से शुरुआत होती है, उनकी आवाज़ से शुरुआत होती है, मैं चाहता हूँ कि लोग बचाएं उनको। हम मानव पानी पी सकते हैं लेकिन उनको कौन देगा? स्वयं ईश्वर नहीं आएगा, हम ही को ईश्वर प्रेरणा देगा। हम ही लोग को ईश्वर का काम करना चाहिए। ईश्वर हमको संदेश देता है कि आपको मानव का जन्म दिया है तो बनाई हुई चीज़ों को आप लोग उसको बचाएं, वरना परले आ सकता है, आपदाएँ आ सकती हैं, ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं जिनसे ईश्वर की बनाई चीज़ों को बचाना चाहिए। क्या आपका? मैं बसंत राम, माँ शांति सेवा फाउंडेशन का।